हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। हम लगातार इस वक्त की जो बड़ी खबर है उस पर बने हुए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में करीब 2 घंटे की अफरा तफरी के बाद बिजली व्यवस्था बहाल होने लगी है। लोकल ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। 12:48 पर अंधेरी से विरार के लिए पहली लोकल ट्रेन चली है। ट्रैफिक सिग्नल्स भी अब काम करने लगे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिजली मंत्री से बात कर जल्द से जल्द सेवा बहाल करने का निर्देश दिया। और हम आपको बता दें कि जब ग्रिड फेलियर होता है तो एक जो पूरे क्रमवार तरीके से बिजली फेल होती जाती है, जितने ट्रांसफार्मर्स हैं वो बंद होना शुरू कर देते हैं, और ट्रांसफार्मर्स क्योंकि बंद हो जाते हैं तो उनको रिस्टार्ट होने में टाइम लगता है। मृत्युंजय, अब लगभग कितना समय लगेगा, क्या खबर? शोभना, दर्शकों को हम जानकारी दे दें, लगभग 2.5 घंटे तक अंधेरे में रहने के बाद अब मुंबई के कई इलाकों में बिजली आने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मुंबई की जो लाइफ लाइन है वो तीनों ही लाइन, वेस्टर्न रेलवे लाइन, सेंट्रल रेलवे लाइन और हार्बर लाइन, तीनों ही लाइन पर बिजली सुचारू रूप से शुरू हो गई, यानी कि ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। दूसरी बात, सड़कों पर जो सिग्नल है वो सिग्नल रिस्टोर हो गए हैं, सिग्नल चालू हो गए हैं, तो थोड़ी मदद मिल रही है। और तीसरा, मुंबई एयरपोर्ट से महत्वपूर्ण जानकारी है कि मुंबई एयरपोर्ट के कामकाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ा था, ये अपडेट है। देखिए, मुंबई में अगर हम बात करें महानगर पालिका के हिसाब से 26 वार्ड हैं, उन 26 वार्ड में से 12 वार्ड में लाइट आ चुकी है, जिसमें से मुख्य जो है ए वार्ड, बी वार्ड, सी और डी। चूंकि ये दक्षिण मुंबई का इलाका आता है जहां पर हाईकोर्ट, मंत्रालय, सीएसटी रेलवे स्टेशन, चर्चगेट, नेवी नगर, डॉकयार्ड, तमाम मुख्य जगह वही है, तो वहां पर ये लाइट आ चुकी है। अगर हम इलाकों की बात करें तो कुर्ला में अभी लाइट नहीं आई है, चेंबूर में आ चुकी है, घाटकोपर में लाइट कुछ जगहों पर आई है, अंधेरी में लाइट आ गई है, गोरेगांव में लाइट नहीं आई है, मलाड में लाइट नहीं आई है, ऐसे कुछ कुछ जगहों पर है। जो जानकारी मिल रही है कि अगले कुछ घंटों में, आधे घंटे में, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे पूरे मुंबई भर में लाइट शुरू हो जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और एक और अपडेट देते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट की कामकाज ऑनलाइन कार्रवाई फिर से शुरू हो चुकी है, एक बड़ी जानकारी है। जी ठीक है मृत्युंजय, आप बने रहिए, मैं फिर आपके पास आऊंगी। ये जो अपडेट्स आप हमें दे रहे हैं कि मुंबई के किस किस इलाके में जो बिजली व्यवस्था है वो बहाल हो चुकी है, अब मैं रौनक का रुख कर लेती हूँ। रौनक, आप जहाँ पर मौजूद है वहां पर इस समय क्या स्थिति है? जी देखिए शोभना, मैं मुंबई के सायन पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी बिजली जो है आ चुकी है। और आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद ये पेट्रोल पंप जो है, लंबे समय से लोग यहाँ पर पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे कि उनकी गाड़ियों में पेट्रोल और टैक्सी वाले जो है वो सीएनजी भरा सके, अब सायन पेट्रोल पंप पर जो है वो बिजली आ चुकी है और कुछ देर बाद ही यहाँ पर पेट्रोल पंप जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह से ट्रैफिक की स्थिति भी आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक भी जो है वो सिग्नल चालू होने की वजह से सुचारू रूप से चल रहा है। भैया कितनी देर से? सर 1 घंटा से हम परेशान हैं और काफी हमें इसका सामना करना पड़ रहा है। हम 200-400 रुपया जो कमाते हैं वो भी हमारे भी बंद हो गए हैं। जल्दी से पेट्रोल अगर मिल जाता तो हम अपना स्विगी का पार्सल पहुंचा देते कस्टमर के पास। तो हमको वहाँ पे काम करते हैं, हम स्विगी में काम करते हैं, स्विगी हमारा ये ऐप है। कितने पार्सल है अभी? हमारे पास 2 पार्सल है, हम यहाँ पे जाना है, परेल जाना है और अंटाफिल जाना है। यहाँ से निकले थे? निकले थे अपना एक चेंबूर से और एक अपना साइंस है। आप कितनी देर से? 2 घंटा हो गया यहाँ पे। शोभना, कुछ इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। स्विगी में काम करने वाले शख्स है जिनको पार्सल जो है मुंबई के परेल इलाके में पहुंचाना था, कुर्ला से निकले हुए थे, कई लोगों के पार्सल जो है अभी भी अटके हुए क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, अब यहां पर बिजली लौट आई है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट में पेट्रोल पंप जो है वो यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। जी शोभना, ठीक है, बिल्कुल। रौनक आप बने रहिए, मृत्युंजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रौनक ने हमें एक रिपोर्ट भेजी थी, मुंबई में ग्रिड फेल होने से कामकाज पर किस तरह से बुरा असर पड़ा है ये समझना बहुत जरूरी है। सैन इलाके से एक बैंक की हमें स्थिति बताई गई, कैसे वहां पर बिजली नहीं आई और कैसे कामकाज ठप हो गया, रिपोर्ट देखिए आप। ग्रिड फेलियर होने की वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो है कई तरह की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मुंबई के सायन इलाके में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं जन कल्याण सहकारी बैंक जो है वो भी पूरी तरीके से बिजली गुल होने की वजह से ठप पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि अंदर का नजारा, एसी लाइट सब कुछ बंद है, कर्मचारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे अपने दफ्तर में समय पर, लेकिन जिस तरीके से बिजली गुल मुंबई में पिछले 2 घंटे से देखने को मिल रही है उसके पर भी इसका असर जो है वो, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पैसे जमा करने के लिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शंकर सिंह राजपुरोहित है। मैंने चेक दिया था, पैसा भरने आया था, स्लिप भरा हूँ, लेकिन लाइट यहाँ नहीं है, तो लाइट नहीं होने की वजह से काम नहीं हो रहा है, पैसा जमा नहीं हो रहा है। ऐसा बताया कि लाइट आने के बाद में लेंगे,
मिलाकर आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है, जिन लोगों को पैसा जमा करना था या पैसा निकालना था उनके लिए यहाँ पर तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। मैडम कितनी देर से ये करीबन एक घंटे से ये बिजली गई हुई है और बहुत तकलीफ हो रही है। जो कस्टमर आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं। क्या जनरेटर? जनरेटर से ही अभी सिस्टम चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कभी भी बंद हो सकता है। फिलहाल ट्रांजेक्शन रोक दिया जी, अभी रोक दिया है। कस्टमर्स को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। बैंक के व्यवहार जो यहाँ पर पूरी तरीके से बंद दिखाई दे रहे हैं, तो इसी तरह के हालात जो है वो मुंबई के अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। फिर चाहे वो पेट्रोल पंप हो, लोकल ट्रेन हो, जगह जगह पर जो लोग हैं उन्हें पावर ग्रिड जो फेल्यूर हुआ है उसकी वजह से तकलीफों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। और देखिए कुर्ला और मलाड में अभी तक लाइट नहीं आई है, लेकिन अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं। 12:26 पर जैसे ही लाइट आई तो जो सेंट्रल लाइन, जो रेल यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था, ये कुर्ला स्टेशन से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए, समझना बहुत जरूरी है, ग्रिड फेल्योर जब होता है तो जो पावर हाउसेज में टर्बाइन्स होती हैं, जितने आपके कहा जाए ट्रांसफॉर्मर्स हैं, वो सब एक एक करके ट्रिप होने लगते हैं और उनको रीस्टार्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है बिजली विभाग के लिए, और इसीलिए इतनी देर लगती है। जैसे ही बिजली व्यवस्था बहाल हो रही है, इस पूरी व्यवस्था को बहाल होने में लगभग 6 से 8 घंटे लगेंगे। कुछ इलाकों में ये बिजली व्यवस्था बहाल की जा चुकी है। कुर्ला से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जो रेल यातायात है सेंट्रल लाइन पर वह अब बहाल हो चुकी है। और मृत्युंजय का मैं रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय देखिए, हम ये रेल यातायात शुरू हो चुका है, ट्रैफिक लाइट्स जो है वो चालू हो चुकी है, जो इमरजेंसी सर्विसेज है, अस्पताल है, उनको अब बिजली देनी शुरू कर दी गई है। लेकिन हमें ये समझना होगा क्योंकि टर्बाइन्स बंद होने लगती हैं, ट्रांसफॉर्मर्स बंद होने लगते हैं, अभी अभी लगेगा इसमें 5 से 6 घंटे और। जी बिल्कुल, देखिए इसमें समय लगेगा और सबसे राहत की बात है कि जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए चीजें हैं, हॉस्पिटल हो गए, रेलवे हो गए, ये धीरे धीरे शुरू हो गई। लेकिन अगर हम बात करें रिहायशी इलाकों की या आम लोगों की दुकानों की, तो इस प्रकार से अंधेरा छाया हुआ है। ये कुर्ला इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं, आम जो रोजगार है, लोगों की दुकानें हैं, दुकानों में अंधेरा छाया हुआ है। क्या माहौल है 3 घंटे से, किस तरह से काम चल रहा है? बहुत बेकार चल रहा है, क्योंकि इन्फॉर्म करना चाहिए था पहले एक दिन की, और लाइट बंद करके सुबह से ऐसी चला, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, और ऊपर से गर्म इतना है, कोई ग्राहक नहीं आया, कुछ नहीं है सुबह। बिल्कुल देखिए, और थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, यहाँ भी देखिए तमाम दुकानें हैं लाइन से, लोग अपने सोमवार सप्ताह के कामकाज का पहला दिन है और इसी कामकाज के लिए लोग दुकानें खोलते हैं, पर देखिए अंधेरा छाया हुआ है। इस अंधेरे में जो थोड़ा बहुत काम हो सके वो होता है। ये देखिए एक किराने की दुकान है जिसमें ग्राहक बहुत नदारद है, क्योंकि इस प्रकार की लाइट चली जाने से निश्चित तौर पर जनजीवन प्रभावित होता है। और ये देखिए मोबाइल शॉप और कपड़े की शॉप है, शूज की शॉप है, वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारे साथ जैन, क्या क्या हालत है आपके इलाके में, कब से लाइट गई है, क्या हालत है? तकरीबन 1.5 घंटे से लाइट गई हुई, 1.5 से 2 घंटा हो गया है और पूरी तरह धंधा ठप है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है और लोग भी नहीं है, जैसे ट्रेन बंद, तो कुछ कमाई नहीं है फिर, आज कुछ कमाई नहीं फिर, और गर्मी से अलग परेशान। बिल्कुल देखिए, इस समय अक्टूबर हीट है, मुंबई का अक्टूबर हीट बड़ा ही दुखदायी होता है और इस समय 2 घंटे 3 घंटे अगर लाइट चली जाए तो मुंबई का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता है। ये देखिए, ये जो शॉप है, केक शॉप है, अब केक के लिए अगर लाइट नहीं होगी, फ्रिज चालू नहीं होगा, तो ये पेरिशेबल आइटम है, ये तो नुकसान हो जाएगा। कब से 3 घंटे से लाइट नहीं है, काफी नुकसान होगा ग्राहक का है? जी नहीं, ग्राहक ग्राहक नहीं है, 2 दिन वापस चलेगा क्योंकि लाइट नहीं है, केक उसको कैसे दे, ठंडा नहीं होगा, खराब हो जाएगा, कम्प्लेन है, इसलिए नहीं दे पाए। ग्राहकों को केक नहीं दे सकते क्योंकि ये ठंडा नहीं होगा तो केक खराब हो जाएगा। तो ये मुंबई का जनजीवन किस प्रकार से प्रभावित हुआ है वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब भले ही अत्यावश्यक सेवाओं की जो जगह है वहां पर लाइट आ गई है, लेकिन दुकानों में, घरों में अभी तक लाइट नहीं आई है, कुछ इलाकों में जरूर लाइट आई है। हम बता रहे थे कि मुंबई में, मुंबई महानगर पालिका के 24 वार्ड है, इन 24 वार्ड में से 10-11 वार्ड में लाइट आ चुकी है। मुख्य रूप से वो इलाके हैं जो अत्यावश्यक जो इलाके आते हैं, कोलाबा का इलाका आता है, नेवी नगर का इलाका आता है, चर्चगेट का इलाका आता है, सीएसटी का इलाका आता है, वर्ली इलाका आता है, इन जगहों पर लाइट आ गई है। लेकिन कुर्ला इलाका है, लाइट नहीं आई है, चेंबूर इलाका है, वहां लाइट नहीं आई है, इंतजार कर रहे हैं लाइट आने का। आपका तो दूध का व्यवसाय है, काफी नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान है, ज्यादा दिक्कत जा रही है, लाइट के बिना नुकसान हो रहा है अपना दूध का। तो चाय का दुकान है, ग्राहक आ रहे हैं, कितने ग्राहक आए 3 घंटे? नहीं, लाइट ही नहीं है तो ग्राहक कहाँ से आएंगे, सुबह से दिक्कत जा रही है, गर्मी तो बहुत बुरी हालत है। सूचना मिल रही है, आप लोग ने फोन किया था शाम को 5 बजे की सूचना मिला है, 5 बजे आएगा ऐसा बताया गया। हाँ चलिए, किसके सप्लाई है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी? ये तो मालूम है,
देखिए यहाँ पर इन्हें सूचना दी गई है कि 5 बजे लाइट आएगा, तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि इनके रोजगार पर कितना फर्क पड़ेगा। यहाँ देखिए छोटी चाय की दुकान है, लोग अपना व्यवसाय करते हैं, दुकानें चलाते हैं, घर चलाते हैं, धीरे धीरे जीवन अपना पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना संकट काल में तो यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ करता था, लेकिन अब जब जीवन फिर से शुरू हो रही है पटरी पर, तो इस प्रकार से झटके लगते हैं, मुंबई की लाइफलाइन रुक जाती है। ये एक छोटा सा होटल है जहाँ पर कामकाज करने वाले दोपहर का खाना खाने आते हैं, लेकिन देखिए तमाम टेबल खाली है और जो खाना है वो भी अभी नहीं बन रहा है, तो क्योंकि लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गर्मी में खाना बनाएंगे, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी शोभना, बिल्कुल मृत्युंजय, ये तस्वीरें जो है वो बेहद चिंताजनक है और दुख भी हो रहा है कि इस तरह से लोगों का जो व्यवसाय है, उनका कारोबार है, वो ठप हो रहा है, केक खराब हो जा रहा है, खाने पीने का सामान खराब हो जा रहा है, अस्पतालों में भी दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, सेंट्रल रेल भी चरमरा गई है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को ये जरूर समझाना होगा कि ये तकनीकी खामी है जो बिजली विभाग, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के हुआ है, ये तकनीकी खामी के चलते ग्रिड फेल्योर हुआ है और उसके चलते अब इसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। मृत्युंजय, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि कोविड का दौर है और देखिए कोविड अस्पतालों के लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन की सप्लाई, तो क्या जो कोविड अस्पताल है मुंबई के उनमें बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बहाल हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई में जो कोविड अस्पताल है, विशेष तौर पर जो सरकारी अस्पताल है या फिर कुछ प्राइवेट अस्पताल जिनको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है, उन अस्पतालों में पावर बैकअप की सुविधा थी, तभी उन अस्पतालों को कोविड अस्पताल के रूप में रूपांतरित किया गया, उसमें बदला गया। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही लाइट 10 बजे गई थी, 10:30 बजे मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का एक आधिकारिक पत्र आया था तमाम हॉस्पिटल्स को कि आप अगले 8 घंटे का बैकअप रखिए। ये 8 घंटे का बैकअप आपको किस लिए रखना है? 8 घंटे का बैकअप रखना है कि मान लीजिए इसको रिस्टोर करने में, इसको बिजली को पूरी तरह से आपूर्ति होने में समय लगता है, तो आप 8 घंटे का बैकअप रखिए। आपको बता दें कि मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई के जो नामी कोविड हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां ज्यादा वेंटिलेटर और ज्यादा आईसीयू के रूम्स हैं, बेड्स हैं, वहां पर अतिरिक्त डीजल उपलब्ध कराकर रखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बैकअप प्लान बीएमसी का था, लेकिन कहीं ना कहीं राहत की बात है कि बहुत सारे अस्पतालों में, जहां पर सायन अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, हम नायर अस्पताल की बात कर रहे हैं, ये बड़े हॉस्पिटल है, बड़े कोविड हॉस्पिटल है, यहां पर बिजली बहाल हो चुकी है, लेकिन फिर भी जरूरी है बैकअप की, क्योंकि देखिए ये जो बिजली सप्लाई हुई है ये अभी पूरी तरह से मेंटेनेंस का काम पूरा नहीं हुआ है, तो क्या पता फिर से कुछ घंटों के लिए बिजली चली जाए, तो एहतियात मैं लगातार ये जिक्र कर ही रही हूँ मृत्युंजय अपने दर्शकों से कि देखिए टर्बाइन्स जो पावर हाउस होती है जहां पर कोयले से बिजली पैदा की जाती है, वहां पर टर्बाइन्स बंद होने लग जाती है क्योंकि एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर बिजली आपूर्ति नहीं होती है तो जो आपके ट्रांसफॉर्मर्स है वो ट्रिप ऑफ करने लगते हैं और उनको रिस्टार्ट करने में समय लगता है। ये एक तकनीकी मामला है। बिजली संकट पर महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत का कहना है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा था जो बेहद जरूरी था, जिस वजह से मुंबई में आज बिजली गुल हो गई है। सुनिए क्या कुछ कहा। महापारेषण का जो 400 केवी कड़वा पड़गे जीआईएस सेंटर है, उस सेंटर के अंदर का जो सर्किट है उसके रखरखाव का काम चालू था। अगर हम रखरखाव नहीं करते रहेंगे, बीच बीच में उसकी दुरुस्ती अगर नहीं करते रहेंगे, उसकी सफाई नहीं करते रहेंगे, तो वो काम नहीं कर पाएगा, इसलिए वो काम चल रहा था। और उसके लिए 2 लाइन हमारी वहां पर है, तो एक लाइन से दूसरी लाइन पे हमने उसको शिफ्टिंग किया था, उस पर अचानक तांत्रिक उसमें तकलीफ आ गई जिसकी वजह से मुंबई और ठाणे परिसर प्रभावित हुआ है। तो देखिए बिजली विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, मेंटेनेंस का काम लगातार चल रहा है ताकि जल्द से जल्द जो मुंबई के लोग हैं जिनको बिजली की दिक्कतें आ रही हैं उस सेवा को बहाल किया जा सके।